यहाँ पर आप सब मौजूद हुए, जरा लेट हो गया, इसके लिए आप सब से माफ़ी मांग रहा हूँ। हम लोग 9 नंबर पहाड़ हसन नगर पर मीटिंग करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। आज की जो 4-5 दिन से जो माहौल हैदराबाद में जो गुस्से की लहर चल रहा है, बच्चों को, बड़ा लोगों को, बुज़ुर्गों को, जो इसके लिए एक बार सबसे आपसे इंटरेक्शन हो गए। अभी तेलंगाना रियासत हुकूमत ने, आपको सब मालूम है, केस रजिस्टर करे, अरेस्ट भी करे, अदालत के सामने पेश भी करे, अदालत ने बेल दिया। ये अदालत के मामले में हम बात करें तो गैर कानूनी हो जाएगा। अदालत बेल देने के बाद को जो भी तेलंगाना रियासत ने कार्रवाई करने के लिए स्टेप्स ले रहे, वो आज हमारा काली शमशाबाद जोन में जो मुसलमान भाई जो गुस्से की लहर से शांति अमन के साथ हमारे कने आके ऐसा कंप्लेंट करे हैं, 30 कंप्लेंट हमारे को आए हुए हैं आज तक। उसके ऊपर केसेस रजिस्टर हो रहे, कार्रवाई के हिसाब से लीगल एडवाइस ले लेके कार्रवाई भी चलेगा। मैं ये आश्वासन भरोसा देते हुए आपके सामने, जो कल की फ्राइडे है, अभी आपका प्रेयर का भी टाइम हो रहा, कल जो फ्राइडे के दिन जो नमाज पढ़ने को सब इमाम साहब लोग, वहाँ जो भी लोग मस्जिद कमेटी के लोग रहते हैं, यहाँ पर भी बहुत मौजूद है मस्जिद कमेटी के लोगों से, मैं ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, हुकूमत ने गट कार्रवाई करने के लिए जा रहे, आप लोग शांति अमन के साथ अपना देश का जो भिन्नत्वम लोग एकत्वम बोलते हैं, अगर अल्लाह ईश्वर जो जीजस जो बोलता है शांति अमन के साथ जीना है, अपना हासिल करें अपन, उसमें पर्सनल मोटिव, पर्सनल माइलेज के लिए जो बात करके जो घायल किया है, आप लोगों बच्चे लोग भी बहुत गुस्से की लहर चल रहा है, हम भी महसूस करते हैं उसको, आपका तकलीफ़ में हम भी है, आपकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। आप जो भी भाइयों का सेंटिमेंट के ऊपर वो बात करें, जो भी अल्लाह, जो भी ईश्वर, जो भी जिसका मज़हब का, जिसका रीच होने का तरीका अलग अलग रहता है, कौन सा भी मज़हब का भी रहें दो, शांति के साथ जीना बोलता है। अपना स्वर्ग किसमें भी अल्टीमेटली क्या रहता बोले तो आत्मा साक्षात्कार करने का रहता, अल्टीमेटली वही है। आत्मा साक्षात्कार बोले तो बहुत लोग समझ भी नहीं सकते हैं, वो अल्टीमेट डेस्टिनी वही है, अपना अल्लाह कहने, ईश्वर कहने, जो भी जीसस कहने जाना अपना। ये याद रखते हुए मैं तुम आज की ये जो मीटिंग पे आपको बुलाया गया है, तरीके से गंगाधर साहब है, इंस्पेक्टर मैलाड़ देवपल्ली के नरसिम्हा साहब, इनके सबके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमसे वादा किया है कि इंशाल्लाह जो हालात इसके अंदर अपने रियासत के अंदर हुए हैं उसके जो है जो भी कानूनी कार्रवाई है इंशाल्लाह करेंगे, बल्कि वादा कर रहे हैं, हम सब इनके शुक्रगुजार हैं, इंतज़ार करेंगे हम। और वाकई हालात इस वक्त में ऐसे हैं कि मुल्क के ही हालात, सभी अभी थोड़े दिन पहले ऐसे वाक़यात पेश आए थे नूपुर शर्मा के ज़रिए से, जभी भी जो है बहुत ज़्यादा हालात थे, अब ख़ास तौर पर हमारे रियासत के अंदर भी ये वक्त में, अभी 75 साल हम जो है आज़ादी के जश्न मनाए हैं खुशी के साथ, सभी मिलकर सभी जगहों पर मनाए, लेकिन फिर एक नई जो है हालात शुरू हो गई है। हम DCP साहब से भी गुजारिश करते हैं और स्टेज के ज़रिए से जल्द कार्रवाई हो और कोई कानून बने इसके लिए कि मुस्तकिल जो है कोई ना आए नए दिन कोई ना कोई जो है ज़रिए से पूरे मुल्क के अंदर ये आवाज़ उठा रहे हैं, ख़ास तौर पर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभी जो है दिल्ली के अंदर वाक़या हुआ और ऐसे ही पूरे मुल्क के अंदर हालात हो रहे हैं। जब जिसका दिल चाह रहा है उठ खड़ा हो रहा है और सोशल मीडिया के ज़रिए से बात को पहुँचा रहा है और लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रहा है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। हम DCP साहब से गुजारिश करते हैं कि KCR साहब से मुलाकात करें और कानूनी कार्रवाई कोई ऐसी करें कि किसी को जो है आवाज़ उठाने का मौका ना मिले, ऐसी सज़ा मिले सबके लिए, जो है एक जो है वो बन जाए, इबरतनाक जो है सज़ा बन जाए।
हम जो है शुक्रगुजार हैं इसके, आप सभी हजरात के शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हम जैसे डीसीपी साहब ने बताया वैसे हम करेंगे कल इंशाल्लाह जुमा के जो है बयानात के अंदर। सुदूर यहाँ बैठे हुए मस्जिदों के और रहीमा और खुतबा भी हैं, हम सब इंशाल्लाह यकीन दिलाते हैं हम डीसीपी साहब को कि कल इंशाल्लाह पूरा पीसफुल रहेगा और हम पूरी ऐसी ही बात करेंगे मुल्क मुसलमानों के सामने और मिल्लत के सामने कि वह अमन के साथ काम करें। और जैसे कि डीसीपी साहब ने बताया है कि हमारा जो एहतजाज है वो एहतजाज तो यूँ ही हो रहा है, असल जो है कंप्लेंट करना है, तो उसके अंदर जो है दो चार जिम्मेदार अहबाब जाएं और जाकर कंप्लेंट करें और आप जो है कंप्लेंट लेने के लिए तैयार भी हैं। इस किस्म के खामखा के खुराफात करेंगे, सड़कों पे नारे लगाएंगे, ये अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए कि जिस सड़क के ऊपर हम गुजर रहे हैं इसमें कई बीमार सड़क पर गुजरते हैं, कई जो है पेशेंट सड़क पर गुजरते हैं, सड़क जाम करके रखे हुए हैं, तकलीफ़ हो रही है लोगों को और फिर अमन अमान ख़राब हो रहा है, इसका जो है गलत फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो है अमन के